उसे मिलने के लिए बेकरार हो गई थी जब से उसने देव से अर्जुन के बारे में सुना था। मुझे एक बार मेरे बेटे से मिलना है। देव, मुझे मेरे बेटे से मिलवाओगे ना जल्दी? देविका देव से पूछती है। हाँ हाँ देविका, बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवाऊंगा। देविका का हाथ पकड़ते हुए देव कहता है, तुम्हारा नहीं हमारा बेटा कहो देव, अर्जुन हमारा बेटा है, हम दोनों का बेटा। देव के गले लगते हुए देविका उससे कहती है, ये जिंदगी भी बड़ी अजीब है देविका, कब किस मोड़ में आकर रुक जाए कुछ पता नहीं। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा फ्यूचर सन आज हमसे कुछ यूं मिलेगा, वो भी इस हाल में होगा, हमें क्या पता था। लेकिन बहुत जल्द उसे वापस फ्यूचर में जाना होगा, जहां जाकर उसे बहुत काम करने हैं और वहां कोई उसका इंतजार कर रहा है। इसलिए देविका हमें उसे उसके फ्यूचर में जाने के लिए हेल्प करनी होगी, क्योंकि उसके फ्यूचर में जाने का संबंध हमसे है। देव देविका से रोते हुए कहता है, मैं कुछ समझे नहीं, भला हमारे बेटे का फ्यूचर में जाने का संबंध हम दोनों से कैसे हो सकता है? देविका थोड़ा शॉक्ड होते हुए देव से आंखें मिलाते हुए कहती है, क्योंकि हम उसके माँ बाप हैं, इसलिए हम दोनों का एक होना जरूरी है। देव कहता है, हम दोनों का एक होना जरूरी है, मतलब हम तो हमेशा से ही एक है ना देव? देविका देव को जवाब देती है। इस पर देव अच्छे से समझाते हुए कहता है, हम दोनों अभी पूरी तरह से एक नहीं हुए देविका, हम उस दिन एक हो जाएंगे जिस दिन हम दोनों की शादी होगी, और हमारे मिलने से ही तो आगे अर्जुन पैदा होगा, और जैसे ही हम दोनों मिलेंगे अर्जुन जिस तरह से आया था वैसे ही 2011 में चला जाएगा। लेकिन हमें शादी कब करनी है? देविका के ऐसा कहते ही देव बताता है, जब हमारा बेटा कहे तब हमें शादी करनी होगी, अब उसकी इतनी सी इच्छा तो हम पूरी कर ही सकते हैं ना। ठीक है देव, अपने बेटे की खुशी के लिए मुझे ये करना भी मंजूर है, और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो शादी करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। ऐसा कहते हुए देविका देव के गले लग जाती है। अच्छा तो ये बात है, अगर देव और देविका आपस में शादी करते हैं तो ही सुपर अर्जुन वापस फ्यूचर में जाएगा, मतलब वो अपने माता पिता को मिलाना चाहता है। लेकिन अगर मैं ऐसा ना होने दूं तो मुझे सुपर अर्जुन की जरूरत है, उसकी पावर्स की जरूरत है। मैं सुपर अर्जुन और देव दोनों को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे किसी भी हाल में देव और देविका की शादी को होने से रोकना होगा। झाड़ के पीछे छुपकर श्रीनिवासन अपने मन में ये सब सोच रहा है। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी अर्जुन के अपने ऑफिस से घर जाने का समय हो गया है। अर्जुन जनता की आवाज अखबार के दफ्तर से अब बाहर आ चुका है। वो अभी रोड के किनारे खड़ा है और वहाँ खड़ा एक सिटी बस का इंतजार कर रहा है। अर्जुन बार बार रोड के किनारे खड़ा अपनी घड़ी पे टाइम देख रहा है। कुछ देर बाद एक सिटी बस वहाँ आकर रुकती है। एक एक करके काफी लोग उस सिटी बस में चढ़ते हैं और कुछ देर बाद अर्जुन भी उस बस में चढ़ जाता है। उस सिटी बस के अंदर पहले से ही मौजूद है मेघा यानी कि लायका, और लायका के साथ में कुछ दूरी पर बस में एक साथ बैठे हुए हैं गामा और सिग्मा। लायका को पहले से पता था कि अर्जुन ज्यादातर इसी बस से अपने ऑफिस से घर को जाता है। अर्जुन कुछ देर सोचता है, तभी उसकी नजर बस में पिछली सीट पर बैठी मेघा पर जाती है, जिसकी बगल वाली सीट में अभी कोई नहीं बैठा है। हालांकि मेघा ने पहले ही अर्जुन को देख लिया और अभी वो अर्जुन को जानबूझकर इग्नोर कर रही है ताकि अर्जुन को उसके ऊपर कोई शक न हो। अर्जुन मेघा को देखकर अपनी सीट से उठकर मेघा के बगल वाली सीट में बैठने चला जाता है। हेलो मेघा, कैसे हो? अर्जुन मेघा से उसका हाल पूछता है। मैं ठीक हूँ अर्जुन, तुम कैसे हो? हल्की सी स्माइल के साथ मेघा अर्जुन से कहती है। मेघा, पिछले 2 दिनों से तुम ऑफिस नहीं आई, क्या बात है? तुम कोई पिकनिक में बिजी थी क्या, या कोई परेशानी है? एक मजाकिया अंदाज के साथ अर्जुन मेघा से सवाल करता है। अरे नहीं नहीं अर्जुन, मैं पिछले 2 दिनों से कोई पिकनिक नहीं मना रही थी, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने 2 दिनों की छुट्टी ले ली, मेघा अर्जुन को बताती है। अर्जुन को मेघा की ये बातें थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि मेघा को देखने पर एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा कि उसकी तबीयत खराब हुई थी पिछले 2 दिनों से। लेकिन तुमने ये बात बॉस को क्यों नहीं बताई? तुम्हें पता है वहाँ ऑफिस में सब लोग पिछले 2 दिनों से तुम्हें लेकर कितनी टेंशन में थे। यहाँ पर अर्जुन जानबूझकर मेघा से ये सब कहता है, क्योंकि अर्जुन अब ये समझ चुका है कि मेघा उससे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही। तो वहीं अर्जुन के इस सवाल पर मेघा सोच में पड़ जाती है। वैसे तुमसे एक बात कहूँ? अर्जुन मेघा की आंखों में देखकर कहता है। पहले तो मेघा थोड़ा घबरा जाती है, पर फिर थोड़ी देर अर्जुन की आंखों में देखने के बाद मेघा अर्जुन से कहती है, हाँ बोलो ना, तुमने कहा कि तुम 2 दिन से बीमार थी, लेकिन तुम इन 2 दिनों में बिल्कुल भी नहीं बदली, अर्जुन कहता है। और उससे कहते ही मेघा घबरा जाती है, और मेघा को ऐसे घबराते देखकर उससे हल्की दूरी पर बैठे सिग्मा और गामा सावधान हो जाते हैं। इधर मेघा खुद को संभाल कर कहती है, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे मेरा मतलब ये है कि जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, लेकिन तुम तो पहले के जैसी खूबसूरत और फिट नजर आ रही हो। अर्जुन की ये बातें सुनकर मेघा थोड़ा घबरा जाती है। वो अपने मन ही मन में सोच रही है, कहीं अर्जुन को उस पर शक तो नहीं हो गया कि वो झूठ बोल रही है। मैं हमेशा से अच्छी डाइट लेती हूँ इसलिए फिट रहती हूँ अर्जुन, मेघा अपने बालों को संवारते हुए अर्जुन से कहती है। अर्जुन मेघा से और कुछ पूछता इससे पहले मेघा अर्जुन से अपना ध्यान हटाकर बस से बाहर देखने लगती है। बस के अंदर अर्जुन की सीट के ठीक पीछे एक बूढ़े अंकल बहुत देर से अर्जुन और मेघा को बात करते हुए सुन रहे हैं। उन्हें अर्जुन और मेघा का यूं बात करना पसंद नहीं आ रहा, इसलिए वो थोड़ा नाराज होकर उन्हें देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अभी तक मेघा अर्जुन के सुपर अर्जुन होने का पता नहीं लगा पाई है, इसीलिए वो थोड़ी परेशान है। अर्जुन के सीट के पीछे बैठे बूढ़े अंकल अपने घर के पास पहुंचने वाले हैं। वो अपनी सीट से उठकर आगे बढ़ने ही वाले होते हैं, इतने में अचानक बस के सामने एक छोटा बच्चा आ जाता है। छोटे बच्चे को बस के सामने आते देख बस का ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकता है। अचानक बस में ब्रेक लगने से
सभी लोग को एक जोरदार झटका लगता है, लेकिन बूढ़े अंकल अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते, क्योंकि बूढ़े अंकल को सुपर अर्जुन ने अपनी पावर से उनकी जगह पर ही रोक लिया था। अर्जुन को अपनी जान बचाता देख बूढ़े अंकल अर्जुन का शुक्रिया अदा करते हैं। बेटा, तुमने ठीक समय पर मेरी जान बचा ली, वरना आज मेरे साथ कोई अनहोनी जरूर हो जाती, अर्जुन से ऐसा कहकर बूढ़े अंकल अर्जुन के सामने हाथ जोड़ देते हैं। अरे अंकल, आप यूं हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा न करें, आपकी जान बचाना तो मेरा फर्ज था। बूढ़े अंकल से ऐसा कहकर अर्जुन उनके पैर छू लेता है। बूढ़े अंकल अर्जुन को आशीर्वाद देकर बस से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। जब अर्जुन ने अपनी सुपर पावर से बूढ़े अंकल को बचाया था, तब मेघा को अर्जुन पर पूरा यकीन हो गया था कि अर्जुन के साथ वो काम करती है वो सुपर अर्जुन है। लेकिन उसने ये काम इतनी सफाई से किया था कि वहाँ किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी थी कि अर्जुन ही सुपर अर्जुन है। मेघा अब अपने टेलीपैथी सिग्नल से सिग्मा और गामा को मैसेज देती है कि उसे सुपर अर्जुन मिल गया है, आगे आने वाले बस स्टेशन में उन्हें सुपर अर्जुन मिल जाएगा। मेघा का सिग्नल पाकर सिग्मा और गामा अपनी जगह पर ही सावधान हो जाते हैं। अर्जुन और मेघा बस से आगे जा रहे हैं। मेघा अर्जुन से बातें कर रही है, इतने में ही मेघा का ध्यान आगे रोड पर जाता है। मेघा आगे रोड पर देखती है कि रोड पर कुछ लोग आपस में किसी बात को लेकर लड़ रहे हैं। लोगों ने रोड पर जाम लगाया हुआ है। ओह शिट, अब क्या होगा? मेघा थोड़ा परेशान होते कहती। क्या हुआ मेघा? अर्जुन मेघा से पूछते हैं। तभी इतने में बस का ड्राइवर एक बार फिर ब्रेक लगा देता है और ब्रेक के लगते ही अर्जुन मेघा को परेशान देख कहता है, तुम फिक्र मत करो मेघा, कुछ देर में जाम अपने आप खुल जाएगा। बाहर जाम किस वजह से लगा है ये जानने के लिए अर्जुन बस से बाहर की ओर जाता है। अर्जुन जब रोड पर जाता है तब वो देखता है कि कुछ लोग आपस में बहस कर रहे हैं, क्योंकि रोड पर कोई अपनी कार पार्क करके कहीं चला गया है, जिस वजह से रोड जाम हो रही है। रोड पर पार्क की गई गाड़ी किसी बड़े नेता की लगती है, इसीलिए कुछ लोग नेता के समर्थन में तो कुछ लोग नेता के विरोध में आपस में बहस कर रहे हैं। इतने में ही वहाँ गाड़ी का मालिक आता है, जो कि एक नेता है। अर्जुन सबसे पहले उस नेता के पास जाता है। उस नेता का नाम भूपेंद्र यादव है। अर्जुन उस नेता से कहता है, सर आप जल्दी से अपनी गाड़ी यहाँ से कहीं और पार्क कर दीजिए। अर्जुन की ये बात सुनकर नेता भूपेंद्र यादव अर्जुन से कहता है, अरे तुम नहीं जानते हम कौन हो, याद रखो मैं एक नेता हूँ, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, भूपेंद्र यादव अर्जुन से कहते हैं। भूपेंद्र यादव की ये बातें सुनकर अर्जुन अपने मन में कहते हैं, इसकी बातों से लगता है कि ये घमंडी स्वभाव का इंसान है, अगर मैंने इससे जोर जबरदस्ती की तो ये मेरी बात कभी नहीं मानेगा, इसीलिए इसे किसी बात का लालच देना होगा। कुछ देर अपने मन में सोचने के बाद अर्जुन नेता भूपेंद्र यादव से कहता है, सर अगर आप अभी अपनी गाड़ी यहाँ से कहीं और पार्क कर देते तो ये जितने भी लोग आपके विरोध में आए सभी आपके समर्थन में आ जाएंगे, इससे आपको ही फायदा होगा। अर्जुन की ये बातें सुनकर नेता भूपेंद्र यादव अर्जुन के कंधे पर एक जोरदार थपकी मारते हुए एक जोरदार हंसी हंसते हैं। मैं नहीं जानता था कि तुम कौन हो, लेकिन तुम जो भी हो मेरे शुभचिंतक लगते हो, सभी मेरे समर्थन में आएंगे तो इसका फायदा मुझे इस साल आने वाले चुनाव में मिलेगा। अर्जुन से इतना सब कुछ कहने के बाद नेता भूपेंद्र यादव अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से कहीं और जाने लगते हैं। अपने नेता को कहीं और जाता देख उसके समर्थक भी अपने नेता को फॉलो करते हुए वहां से जाने लगते हैं। इस तरह नेता भूपेंद्र यादव की गाड़ी हटने से सारा ट्रैफिक कुछ ही देर में खुल जाता है। ट्रैफिक खुलते ही अर्जुन भी अपने बस में चला जाता है और मेघा के बगल वाली सीट में बैठ जाता है। कंडक्टर का इशारा पाते ही बस आगे की ओर चल पड़ती है। कुछ देर बाद अर्जुन और मेघा का स्टेशन भी आ जाता है और वो बस से बाहर उतर जाते हैं। लेकिन अर्जुन जैसे ही बस से बाहर निकलता है उस पर दो अनजान लोग हमला कर देते हैं। ये दो लोग कोई और नहीं बल्कि सिग्मा और गामा है, जो मेघा के टेलीपैथी सिग्नल के मिलने से यहाँ सुपर अर्जुन पर हमला करने के लिए रेडी बैठे थे। अचानक अपने ऊपर हमला होता देख अर्जुन कुछ सेकंड के लिए हैरान हो जाता है। सिग्मा और गामा एक के बाद एक लगातार अर्जुन पर हमला करते रहते हैं। कुछ देर तक अर्जुन सिग्मा और गामा से अपना बचाव करता है। अर्जुन मन ही मन ये सोच रहा है, कहीं एक बार फिर श्रीनिवासन ने मुझे मारने के लिए अपने लोग तो नहीं भेजे। इसके बाद अर्जुन सिग्मा और गामा से गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है मैं तुम्हें देखो आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम्हारी जान बचाने का, चले जाओ यहाँ से। लेकिन सिग्मा और गामा अर्जुन की बात नहीं सुनते और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, और तभी अर्जुन को एक बड़ा झटका लगता है और वो सड़क पर गिर जाता है। गामा और सिग्मा के हमले से अर्जुन सड़क पर गिर पड़ता है और उसे ऐसे कमजोर देख सिग्मा कहता है, गामा हमला करो, इसे मौका मत दो। सिग्मा के इतना कहते ही गामा ने एक लंबी छलांग लगाई और एक जोरदार पंच सुपर अर्जुन के मुंह पर जड़ दिया। पंच पड़ते ही सुपर अर्जुन बौखला सा गया। तभी उसने एहसास किया कि उसके निचले होंठ से खून निकल रहा है। क्यों मजा आया सुपर अर्जुन? इतना कहकर सिग्मा उड़ते हुए सुपर अर्जुन पर हमला करता है, लेकिन इस बार सुपर अर्जुन अपना बचाव करता है और उन पर उल्टा हमला कर देता है। मुझे कुछ अलग करना होगा, कहते हुए सुपर अर्जुन अपनी इलेक्ट्रिक पावर से उन्हें घायल कर देता है। सुपर अर्जुन के इन हमलों के डर से सिग्मा और गामा वहां से भाग जाते हैं, मगर जाते जाते कहते हैं, हम आएंगे और तुम्हें सबक जरूर सिखाएंगे, याद रखना। एक तरफ अर्जुन ने सिग्मा और गामा को हरा दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ देव और देविका का अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट से घर को जाने का टाइम हो चुका है। वो देव को बाय बोलती है। देव भी देविका को बाय बोलकर अपने स्कूटर की ओर जाने लगता है। इतने में देव को श्रीनिवासन आता हुआ दिखाई देता है। श्रीनिवासन देव के पास आता है और उससे कहता है, क्या बात है देव, इतनी देर गए अभी तक तुम यहीं हो? हाँ सर, वो आज काम करते करते पता नहीं वक्त का कुछ पता ही नहीं चला, देव जवाब देता है।
वैसे वक्त का कहां पता चलता है देव, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। श्रीनिवासन की ये बात देव के माइंड में उसके लिए शक पैदा कर देती है। वैसे मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए मुझे वापस इंस्टीट्यूट के अंदर जाना होगा। श्रीनिवासन एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ देव से कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ सर, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ गई है ना। अरे आप इंस्टीट्यूट के हेड जो है। मुस्कुराते हुए देव जानबूझकर श्रीनिवासन से ऐसा कहता है। जवाब में हाँ में अपना सिर हिलाते हुए श्रीनिवासन वहां से चला जाता है। अगले ही पल देव अपना स्कूटर स्टार्ट करता है और कुछ देर आगे जाता है। देव ने करीब आधा किलोमीटर का सफर ही तय किया था, अचानक वो अपने स्कूटर को बैक करता है और खुद से कहता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे देखना चाहिए एक बार चलकर। इतना कहकर देव वापस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर जाने लगता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड का कड़ा पहरा है और पूरे इंस्टीट्यूट के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी गार्ड्स का पहरा है। देव को ये बात अच्छे से पता है, इसीलिए देव बिल्डिंग के पीछे की साइड चला जाता है, क्योंकि देव यहां पर श्रीनिवासन को फॉलो कर रहा है। वो चाहता है कि श्रीनिवासन को अभी उसके रिसर्च इंस्टीट्यूट में होने की भनक तक न लगे। बिल्डिंग के पिछले तरफ अंधेरा है, अब देव सुपर देव के रूप में आ चुका है। उस घने अंधेरे से निकलते हुए देव अब धीरे धीरे बड़ी होशियारी के साथ चुपके से रिसर्च इंस्टीट्यूट के बिल्डिंग में पिछली तरफ से चढ़ना स्टार्ट करता है। अचानक देव एक ऐसी विंडो तक पहुंचता है जिसके अंदर के रूम में उसे श्रीनिवासन दिखाई देता है। इस विंडो पर आने के बाद देव रुक जाता है। देव की नजर सामने श्रीनिवासन पर पड़ती है। श्रीनिवासन अभी अपनी खुफिया लेबोरेटरी में है और श्रीनिवासन के पास एक बंदर है जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। श्रीनिवासन ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिसकी मदद से वो लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सके, और वो अपनी डिवाइस का परीक्षण एक बंदर पर कर रहा है। श्रीनिवासन एक रिमोट के जरिए उस बंदर के माइंड पर पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। जंप राइट जंप लेफ्ट कुछ इस तरह की कमांड श्रीनिवासन बंदर को देता है और रिमोट को इधर उधर घुमाता है। बंदर भी अब उसके इशारों पर नाचने लगा है। रिमोट के इधर उधर करते ही बंदर भी ठीक वैसा ही कर रहा है जो कमांड श्रीनिवासन उसे दे रहा है। अगले ही पल श्रीनिवासन की नजर एक चाकू पर पड़ती है। श्रीनिवासन रिमोट को चाकू की तरफ करता है, उस रिमोट में मौजूद रेड बटन को दबाता है और अगले ही पल बंदर रेड बटन के दबते ही चाकू उठा लेता है। एक बार फिर श्रीनिवासन अपने हाथ में पकड़े रिमोट के रेड बटन को दबाता है और इस बार उस बटन के दबते ही बंदर चाकू से खुद को मार डालता है। ये देखते ही श्रीनिवासन खुश हो जाता है। मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, अब आएगा मजा। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए श्रीनिवासन खुद से कहता है, और ये सब बाहर विंडो पर लटका हुआ देव अपनी आंखों से देख रहा है। ओह माय गॉड, मतलब ये श्रीनिवासन इतना खतरनाक है। देव खुद से आगे कहता है, मन तो कर रहा है कि इसे इसी वक्त जान से मार डालूं, लेकिन मैं अर्जुन को बताए बिना ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। चलो मुझे इसी बहाने इस दुष्ट श्रीनिवासन की असलियत तो पता चली। तुम कितना भी जोर लगा लो श्रीनिवासन, मैं तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। इतना कहने के बाद अगले ही पल देव रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग की दीवार से छलांग लगाते हुए नीचे आ जाता है। कुछ देर बाद देव हवा में छलांग लगाता हुआ एक दूसरी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है, और ऐसा करते करते देव कब अपने घर पहुंच जाता है उसे खुद पता नहीं चलता। रात के 8 बज चुके हैं। अर्जुन घर में पहले से ही मौजूद है, जो अभी अपने ऊपर हुए एलियंस अटैक के बारे में सोच रहा है। आखिर क्या दुश्मनी हो सकती मेरे साथ उन एलियंस की, आखिर क्यों किया उन्होंने मुझ पर हमला। अर्जुन इस घटना को याद करते हुए सोच रहा है जो अभी अभी कुछ देर पहले उसके साथ घटी है। वहीं दूसरी ओर देव भी अब घर के अंदर एंटर कर चुका है। देव घर के अंदर अर्जुन को देख रहा है जो हर रोज की तरह हॉल में सोफे पर बैठा हुआ है। अर्जुन अभी परेशान है इसलिए उसे देव के आने का एहसास नहीं होता। देव अर्जुन के पास जाता है और कहता है, क्या बात है अर्जुन, कहाँ खोया बेटा? अरे पापा आप कब आ गए? अर्जुन थोड़ा शॉक्ड होते हुए देव से पूछता है। मुझे यहाँ आए हुए 5 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं तू कौन से ख्यालों में खोया हुआ आज, जो तुझे मेरे आने की भनक तक नहीं लगी। देव थोड़ा शॉक्ड होते हुए अर्जुन को जवाब देता है, वो पापा मुझे आज आपको कुछ बताना है जिस कारण मैं आज इतना परेशान हूँ। अर्जुन कैसा कहते ही देव हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, अर्जुन कहो क्या बात है? पापा मैं हर रोज की तरह आज भी जिस टाइम पर घर को आ रहा था ठीक उसी टाइम पर कुछ एलियंस ने मुझ पर हमला कर दिया। अर्जुन से ये सुनते ही देव चौंक गया और अर्जुन को अच्छे से देखने लगा। अच्छा तू ठीक तो है ना मेरा बेटा? देव थोड़ा शॉक्ड होते हुए अर्जुन को नीचे से ऊपर तक अच्छे से देखते हुए बोलता है, हाँ हाँ पापा मैं ठीक हूँ, पर वो लोग काफी ताकतवर थे। अर्जुन के मुंह से ये जवाब सुनकर देव के दिल को थोड़ी तसल्ली होती है। थैंक गॉड तू ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उन एलियंस ने तेरे ऊपर अटैक क्यों किया? देव अर्जुन से सवाल करता है। पता नहीं पापा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। कभी हम पर कोई अजीब सा दिखने वाला जीव अटैक करता है तो कभी एलियंस, थोड़ा परेशान होते हुए अर्जुन कहता है। अब वो कहते हैं ना कि अच्छाई को झुकाने के लिए बुराई अपनी सारी ताकत लगा देती है, लेकिन अच्छाई को कभी नहीं झुका पाती। और वैसे भी तुम्हारा जन्म बुराई के खिलाफ एक वॉरियर के रूप में हुआ है सुपर अर्जुन। अर्जुन के कंधे में हाथ रखते हुए देव उससे कहता है, पापा अब तो मैं समझ गया हूं कि मेरे सुपर पावर का कारण भी आप ही हो। एक हल्की सी स्माइल के साथ अर्जुन देव से कहता है। जवाब में देव भी हाँ में अपना सिर हिलाता है और मुस्कुराकर कहता है, अर्जुन तू ठीक कहता है,
अरे बातों बातों में मैं तो तुझे बताना भूल ही गया कि आज मैंने तेरे बारे में तेरी माँ को भी बताया। बेटा वो तुझसे मिलना चाहती है। देव के मुंह से ये बात सुनकर अब अर्जुन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रह गया, क्योंकि अर्जुन ने तो बचपन से अपने माता पिता को देखा ही नहीं था। लेकिन उसे क्या पता था कि श्रीनिवासन की बनाई गई टाइम ट्रेवल मशीन से वो अपने माता पिता को दोबारा देख पाएगा। क्या कहा आपने? माँ को मेरे बारे में बताया? तो क्या बोल रही थी माँ मेरे बारे में? अर्जुन एक्साइटमेंट के साथ धीमी आवाज में देव से पूछता है। बेटा तेरी माँ तेरी तरह बेचैन है तुझसे मिलने को। वो तो मुझसे कह ही रही थी कि जल्दी ही मुझे अर्जुन से मिलना है। जवाब में देव अर्जुन से कहता है कि क्या आप सच कह रहे पापा? क्या सच में माँ मुझसे मिलने को बेचैन है जितना कि मैं हूँ? अर्जुन कहता है हाँ बेटा, अरे तेरी माँ तो चाहती थी कि वो तुझसे आज ही मिले, लेकिन मैं कल उसे तुझसे मिलवा दूंगा। देव की ये बातें सुनकर अर्जुन खुश हो जाता है। पापा मैं कल अपनी माँ से एक बेटी की तरह मिलना चाहता हूँ, पिछली बार जैसा मिला था वैसा नहीं। ऐसा कहते हुए अर्जुन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। देव अर्जुन की आंखों को देखता है। अरे तू पागल क्यों रो रहा है? ये तो खुशी की बात है कि तू कल अपनी माँ से मिलने वाला है, लेकिन तू रो क्यों रहा है पागल? हल्का मुस्कुराते हुए देव अर्जुन से कहता है, पापा आप नहीं समझ सकते कि मैंने आप लोगों के बिना कैसे अपनी लाइफ के इतने साल गुजारे। मैं हर पल बस आप दोनों को याद करता रहता था और भगवान से प्रार्थना करता रहता कि सपने में ही सही मुझे मेरे माता पिता से मिला दीजिए। और देखो ना, भगवान ने मेरी सुन ली और आप दोनों से मुझे मिलवा ही दिया ना। ऐसा कहते हुए अर्जुन देव के गले लग जाता है। इधर दूसरी तरफ मेघा यानी कि लाइका सिग्मा और गामा के साथ अपनी टीम हेड्रोमा के पास वापस जाते हैं। गामा और सिग्मा आज सुपर अर्जुन के साथ फाइट करते वक्त थोड़ा घायल हो गए, इसलिए लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। तुम दोनों की हालत किसने की? एक तेज आवाज के साथ टीम हेड्रोमा गामा और सिग्मा से कहता है। लेकिन गामा और सिग्मा रोमा के सवाल पर कुछ भी जवाब नहीं देते और उनके सिर अभी भी नीचे झुके हुए। क्या हुआ तुम दोनों को, जवाब क्यों नहीं देते कुछ? रोमा ने इतना कहा था कि इतने में लाइका बीच में बोलती है, उन दोनों के पास कुछ नहीं है कहने को, क्योंकि आज ये दोनों सुपर अर्जुन के हाथों बुरी तरह पिट कर आए। सुपर अर्जुन के हाथों? वो भी तुम दोनों? ये कैसे हो सकता है? गुस्से से रोमा लाइका से कहता है। ये हो सकता है टीममेट, बल्कि हो चुका है। सुपर अर्जुन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम लोग उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। लाइका एक धीमी सी आवाज के साथ रोमा को जवाब देती, और तुम लोग यूं सुपर अर्जुन से हार कर मेरे पास वापस आ गए ये सोचकर कि रोमा तुम्हें माफ कर देगा? लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम लोगों को इसकी सजा जरूर दूंगा। एक बार फिर रोमा लाइका गामा और सिग्मा से कहता है। ये सुन तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं। टीम हेड रोमा के सजा देने वाली बात कहते ही सिग्मा और गामा डर गए थे और अब यही सोचकर परेशान हो रहे थे कि उनको क्या सजा मिलने वाली है। माफी चाहेंगे आपसे टीम हेड, वो हमें अर्जुन की शक्तियों का ठीक से अंदाजा नहीं था। अगर हमें उसकी शक्तियों का ठीक से अंदाजा होता तो हम लोग सीधा उस पर अटैक नहीं करते। गामा और सिग्मा एक बार फिर से कोशिश करते हुए रोमा से कहते हैं। लेकिन मैं तुम तीनों को कुछ और काम के लिए वहां भेजा था, सुपर अर्जुन से फाइट करने के लिए नहीं। रोमा एक बार फिर गुस्से से आग बबला होकर कहता है। हाँ हाँ हमें पता है आपने हमें वहां क्यों भेजा था, मेरा शक सही था। वो लड़का मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करता है, वही लड़का सुपर अर्जुन है, और यही सब जानने के लिए मैंने गामा और सिग्मा से अर्जुन के ऊपर अटैक करने को कहा था। लेकिन जैसे ही इन दोनों ने उस पर अटैक किया वो लड़का अर्जुन सुपर अर्जुन बन गया। लाइका रोमा से कहती, इसका मतलब अर्जुन ही सुपर अर्जुन है, टीम हेड पूछता है। इस पर लाइका कहती है, हाँ टीम हेड, वो लड़का अर्जुन ही सुपर अर्जुन है और उसी ने हमारी पेंडोरा फैमिली मेंबर नैरिका को मारा है। लाइका भी गुस्से में आकर अर्जुन के बारे में रोमा से कहता है, हम में सब कोई भी सीधा अर्जुन पर हमला नहीं करेगा, अपने बचाव में अर्जुन हम लोगों को उल्टा निशाना बना सकता है और हमें काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसीलिए अब सारा खेल तुम्हारे हाथ में मेघा, यानी लाइका तुम अर्जुन के साथ उसकी दोस्त बनकर रहो, क्योंकि इंसान की फितरत में भरोसा भी है, ये इंसान किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और इसी का फायदा तुम्हें उठाना मेघा। तुम अर्जुन के पास उसकी दोस्त बनकर रहोगी और फिर बहुत जल्द आस्तीन का सांप बनकर उसे ही डस लोगी। रोमा के ऐसा कहते ही लाइका के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आती है और साथ ही बाकी एलियंस के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आती है और सब हंसने लगते हैं। ये अगले दिन की बात है, आज संडे का दिन है और आज देव और अर्जुन दोनों की छुट्टी है। अर्जुन और देव आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और बातों ही बातों में अर्जुन काम्या का जिक्र करता है। अर्जुन क्या तुझे नहीं लगता कि काम्या अब तक तुझे भूल गई होगी? देव अर्जुन से काम्या के बारे में यह सवाल करता है। हाँ पापा आप ठीक कह रहे हैं, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि काम्या मुझे पसंद करती है या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ। अब वो मुझे भूल जाए तो चलेगा, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। थोड़ा मायूसी के साथ अर्जुन देव को जवाब देता है, वाह रे बेटा तेरा प्यार, इसका मतलब तू काम्या से सच्चा प्यार करता है बेटा। अब तो मुझे भी लगता है कि काम्या भी तेरा ऐसे ही इंतजार कर रही होगी। अर्जुन को थोड़ा समझाते हुए उसके बालों को थपथपाते हुए देव उससे कहता है, लेकिन पापा अगर काम्या ये समझ रही होगी कि मैं मर चुका हूं तो शायद हो सकता है कि वो मुझे अभी तक भूल गई हो, क्योंकि कॉलेज में भी वो अक्सर विकी के साथ ही रहा करती थी। मुझे लगता है अब शायद वो विकी को अपना ज्यादा टाइम देती होगी। अर्जुन रूडली देव को जवाब देता है, वैसे अर्जुन ये विकी लड़का कैसा है? देव अर्जुन से सवाल करता है। विकी अच्छा लड़का नहीं है पापा, अगर मैं कहूँ कि विकी हमारे कॉलेज का सबसे बुरा लड़का है तो मेरा ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अर्जुन विकी के बारे में सब कुछ धीरे धीरे अपने पिता देव को बता देता है। लेकिन मुझे नहीं लगता अर्जुन काम्या जैसी अच्छी लड़की को विकी के साथ जाना चाहिए, देव सोचते हुए कहता है। हाँ पापा काम्या मुझे ना मिले तो मंजूर होगा, लेकिन अगर वो
विकी के साथ चली गई तो ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन गुस्से भरी आवाज के साथ अपनी दोनों हाथों की दोनों मुट्ठियों को कसकर बंद करते हुए देव से कहता है, अर्जुन तू टेंशन मत ले, अब मुझे लगता है कि तुझे बहुत जल्द 2011 में काम्या के पास जाना चाहिए, क्योंकि बेटे जहां तक मैं तेरे जज्बातों को महसूस कर पा रहा हूं वहां पर मुझे लगता है कि काम्या अभी भी तेरा इंतजार कर रही है। ऐसा कहते ही देव अपने रूम की ओर चला जाता है तो वहीं अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर अर्जुन के दिल को काफी तसल्ली होती है। पर अर्जुन कहता है, जब तक मैं आपकी और देवी का मतलब अपनी माँ की शादी नहीं देख लेता मैं नहीं जाऊंगा पापा। आज पूरा एक दिन बीत चुका है ड्रायवला और काला को शहर में सुपर अर्जुन को तलाशते हुए, लेकिन उन्हें ना तो सुपर अर्जुन कहीं दिखा है और ना ही सुपर देव। ये सुपर अर्जुन कहता कहा है, हम कब तक उसे पागलों की तरह ढूंढते रहेंगे, अगर वो हमारे सामने आ जाता है तो हम उसे पकड़ कर ले जाएंगे और मालिक का गुलाम बना देंगे। दोनों आपस में बातें करते हुए कहते हैं, तभी काला के माइंड में एक आइडिया आता है। मैंने सुना है कि सुपर अर्जुन मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करता है, इसका मतलब अब हमें सुपर अर्जुन को तलाशने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब सुपर अर्जुन खुद हमारे पास चलकर आएगा। ऐसा कहते ही काला जोरों से हंसने लगता है। मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्या कहना चाहते हो, भला सुपर अर्जुन क्यों हमारे पास चलकर आने लगा। ड्रायला एक अजीब सी आवाज के साथ काला से कहता है, अभी ये दोनों नॉर्मल इंसान की शक्ल में है और एक बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। शहर में तबाही मचानी शुरू कर दो, अगर हम लोग शहर में तबाही मचाएंगे तो लोगों को बचाने के लिए अर्जुन को यहाँ आना ही होगा, काला ड्रायला से एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहता है। काला की बातों को सुनकर ड्रायला भी हंसना शुरू करता है। इधर दूसरी तरफ 5 अंधे बच्चों का ग्रुप लिए एक लेडी उन्हें रोड क्रॉस करा रही। आराम से बेटा, मैं तुम लोगों को एक एक करके रोड क्रॉस कराऊंगी। वो लेडीज जिसकी उम्र करीब 40 साल है अब एक एक करके उन्होंने बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें रोड क्रॉस करा रही है। 2 बच्चों को रोड क्रॉस करवाकर वो 40 साल की लेडी वापस बच्चों को लेने आती है और तभी वहां पर बाकी बच्चों को नहीं देखती। अरे बाकी 3 बच्चे कहां गए, घबराहट भरी आवाज में थोड़ा रोते हुए वो लेडी कह रही है। तभी उसकी नजर 2 बड़े डेविल्स पर पड़ती है। वो दोनों डेविल्स इंसानों की तुलना में काफी बड़े आकार के हैं। उनका चेहरा भी बेहद डरावना है और उनके नाखून भी काफी बड़े हैं। उन दोनों डेविल्स ने उन 3 अंधे बच्चों को अपने बड़े से नाखून वाले पंजों में जकड़ लिया है। अब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा, मैं तुम्हारी बोटी बोटी नोच लूंगा। बुलाओ अपने सुपर अर्जुन को, देखते हैं आज वो तुम्हें हमसे कैसे बचाता है। वो दोनों बड़े बड़े डेविल्स अपनी खूंखार शक्ल और डरावनी आवाज के साथ उन 3 अंधे बच्चों से कह रहे हैं, सुपर अर्जुन सुपर अर्जुन हमें बचाओ सुपर अर्जुन। रोते हुए वे 3 बच्चे सुपर अर्जुन को याद करते हुए कह रहे, हमारा सुपर अभी जनता की आवाज की ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर है। अर्जुन जैसे ही ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर जाने वाला है वैसे ही उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती। सुपर अर्जुन के पास सुपर पावर है, इसलिए जब दूर से कोई उसे पुकारता है तो वो सुन लेता है। कौन मुसीबत में है, ये कौन मुझे आवाज लगा रहा है, मुझे उसे बचाने जाना होगा। अपने मन में ऐसा कहते हुए अर्जुन निकल पड़ता है उन बच्चों को बचाने जो अभी उन दोनों बड़े डेविल्स के पंजों की कैद में है। अर्जुन तेजी से कई बिल्डिंगों की छतों से लंबी लंबी छलांग मारकर उस ओर जा रहा है जिस ओर बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है। कुछ देर बाद सुपर अर्जुन उन बच्चों को बचाने के लिए आखिरकार उस जगह पहुंच ही जाता है जहां उन 3 अंधे बच्चों को 2 खूंखार डेविल्स ने अपने पंजों में बंद किया हुआ है। वे दोनों खूंखार अजीब से दिखने वाले डेविल्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जूल के खूंखार क्रिएशन काला और ड्रायला ही है। छोड़ दो इन बच्चों को अगर अपनी सलामती चाहते हो तो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ, एक तेज आवाज के साथ सुपर अर्जुन उन दोनों डेविल्स से कहता है। तो आ ही गए तुम सुपर अर्जुन, लेकिन तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारे आने से हम इन बच्चों को छोड़ देंगे। हम इन बच्चों के साथ तुम्हें भी अपना गुलाम बनाएंगे। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमारी गुलामी स्वीकार कर लो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो दोनों डेविल से खूंखार आवाज में सुपर अर्जुन से कहता है। अगले पल सुपर अर्जुन अपनी इलेक्ट्रिक पावर से उनके बड़े से पंजों पर अटैक करता है और इस जोरदार अटैक से वो दोनों डेविल्स उन दोनों बच्चों को छोड़ देते हैं। वे दोनों बच्चे काफी ऊंचाई से जमीन पर गिर रहे हैं, लेकिन अर्जुन तेजी से हवा में जाते हुए उन 3 बच्चों को नीचे जमीन पर गिरने से बचा लेता है। अर्जुन उन 3 बच्चों को उस 40 साल की लेडी के पास ले जाता है। आप इनका ध्यान रखिए, मैं इन दोनों शैतानों को सबक सिखा कर आता हूँ, ऐसा कहते हुए सुपर अर्जुन उन दोनों डेविल्स के पास चला जाता है। दूसरी ओर देव भी अब अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचने ही वाला है। कुछ ही मिनटों में देव रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंच जाता है। देव को श्रीनिवासन की सारी हकीकत पता चल चुकी है, इसलिए अब देव चाहता है कि वो श्रीनिवासन को उसके इरादों में कामयाब होने से रोके। इसलिए अब देव चोरी छिपे श्रीनिवासन की जासूसी करने की सोच रहा है। रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंचते ही देव की सबसे पहली मुलाकात आज श्रीनिवासन से होगी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? देव हल्का सा स्माइल के साथ श्रीनिवासन से गुड मॉर्निंग कहता है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है देव, श्रीनिवासन एक धीमी आवाज में देव से कहता है। कहिए सर, क्या बताना है आपको मुझे? देव जवाब में कहता है, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। तुम ऐसा करना, 1/2 घंटे बाद मेरे केबिन में आना, मैं तुमसे वही बात करूंगा। ऐसा कहते श्रीनिवासन एक बार के लिए अपनी घड़ी में टाइम देखते हैं और फिर मुस्कुराता हुआ अपने केबिन की ओर जाने लगता है। देव को श्रीनिवासन के ऊपर यहाँ पर थोड़ा डाउट होता है। श्रीनिवासन ने मुझे अपने केबिन में क्यों बुलाया?
खैर जाना तो पड़ेगा ही बॉस का ऑर्डर जो है। ऐसा कहते ही देव रिसर्च इंस्टीट्यूट में दोबारा अपने पुराने एक्सपेरिमेंट्स पर काम करना शुरू कर देता है। देव का दोस्त सुरेश उसके पास आता है और उसे थोड़ा शॉक होकर कहता है, अरे देव तुझे पता है आज बेंगलुरु में क्या हो रहा है? क्यों क्या हुआ बेंगलुरु में जो तू इतना घबराया हुआ है? देव भी थोड़ा हैरानी के साथ अपने दोस्त सुरेश को जवाब देता है, अरे यार आज तो गजब हो गया, दो बड़े बड़े डेविल्स ने शहर में आकर तबाही मचानी शुरू कर दी है और उन दोनों डेविल्स ने तो अंधे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, लेकिन वो भला हो सुपर अर्जुन का जो उसने सही वक्त पर आकर उन बच्चों को बचा लिया, वरना वो दोनों शैतान ने तो आज उस मासूम बच्चों को मार ही डाला था। सुरेश के मुंह से ये खबर सुनकर देव घबरा जाता है, इसका मतलब मेरा बेटा अर्जुन अभी मुसीबत में, मुझे उसे बचाने जाना होगा। देव अपने मन में ये सब सोच रहा है। देव जैसे ही अपनी चेयर से उठने वाला आता है वैसे उसे कुछ ध्यान आता है, अरे नहीं मुझे तो श्रीनिवासन ने अपने कैबिन में बुलाया था कुछ देर बाद, अगर मैं अर्जुन को बचाने नहीं जा पाया तो मेरा बेटा मुसीबत में फंस सकता है, इसलिए अब किसी भी हाल में मुझे अर्जुन को बचाने जाना होगा। अपने मन में ऐसा सोचते हुए देव अपनी चेयर से उठ जाता है और बाहर की ओर जाने लगता है, मगर तभी वो कुछ देखता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। देव अपने बेटे को डॉक्टर जूल के खतरनाक क्रिएचर से बचाने के लिए निकला ही था कि तभी अचानक उसने दूर खड़े श्रीनिवासन को देखा। उसे देखते ही देव घबरा गया और उसने खुद से कहा, अगर मैं इस तरह से यहाँ से चला गया तो लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा, और तो और ये श्रीनिवासन यहीं पर है, हे भगवान अब तू ही बता मैं क्या करूँ, कैसे अपने बेटे अर्जुन की जान बचाऊं। परेशान होकर देव के मन में कुछ ऐसे सवाल लगातार उमड़ रहे हैं। अब बार बार वो घड़ी देख रहा है लेकिन आज का दिन उसे बहुत लंबा लग रहा है। देव चाहता तो है कि वो खुद जाकर अर्जुन को बचाए लेकिन देव अब कैसे क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देव सर आपका इंस्टीट्यूट हेड ने अपने कैबिन में बुलाया है, एक सिक्योरिटी गार्ड देव से कहता है। हाँ मैं आता हूँ तुम जाओ। ऐसा कहते ही देव श्रीनिवासन के कैबिन की ओर बढ़ने लगता है। मे आई कम इन सर? श्रीनिवासन के कैबिन के दरवाजे पर पहुंचकर देव उससे अंदर आने की परमिशन ले रहा है। कम इन देव कम इन। श्रीनिवासन के ऐसा कहते ही देव उसके कैबिन के अंदर दाखिल हो जाता है। श्रीनिवासन के टेबल के सामने वाली चेयर पर देव बैठता है। कहिए सर आपने अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देव एक धीमी सी आवाज के साथ श्रीनिवासन से कहता है। जैसा कि पूरा शहर जानता है तुम्हारी काबिलियत के बारे में कि तुम हमारे इंस्टीट्यूट के कितने काबिल साइंटिस्ट हो, इसलिए मैं आज तुमसे टाइम ट्रेवल के बारे में जानना चाहता हूँ कि टाइम ट्रेवल के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया है? क्या तुम्हें भी लगता है कि हम फ्यूचर में ऐसी कोई डिवाइस बना सकते हैं जिससे हम टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर और पास्ट में जा सके? श्रीनिवासन देव से टाइम ट्रेवल के बारे में ये सवाल करता है। देव को श्रीनिवासन का ये सवाल करना कुछ अजीब लगता है क्योंकि श्रीनिवासन ने ये सवाल जानबूझकर देव से किया। श्रीनिवासन को भी अब देव के ऊपर शक हो रहा है और उसे लग रहा है कि उसके भाई द्वारा बनाई गई टाइम ट्रेवल मशीन देव के बेटे सुपर अर्जुन के पास है। वहीं दूसरी तरफ दोनों डेविल्स सुपर अर्जुन पर लगातार अटैक पर अटैक किए जा रहे हैं लेकिन सुपर अर्जुन लगातार उनके खतरनाक अटैक से खुद को बचा रहा है। जवाब में सुपर अर्जुन उन दोनों के ऊपर भी अपनी इलेक्ट्रिक वेव से अटैक करता है लेकिन ये क्या, उन दोनों को सुपर अर्जुन की पावर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अर्जुन ये देखकर शॉक्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी पावर्स का इन दोनों डेविल्स पर कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा है। हम तुम्हें कीड़े की तरह मसल लेंगे सुपर अर्जुन, कीड़े की तरह मसल लेंगे। हम अभी भी कहते हैं कि तुम्हें अगर खुद की जान प्यारी है तो हमारे साथ चलने को तैयार हो जाओ। एक बार फिर एक डरावनी आवाज के साथ वे दोनों डेविल्स काला और ड्राइला सुपर अर्जुन को धमकाते हुए कह रहे हैं, मेरा मकसद इस संसार से बुराई का नाश करना है, इसलिए तुम जैसे पापियों के हाथों मैं नहीं मरने वाला, क्योंकि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो अच्छाई को कभी हरा नहीं सकती। ऐसा कहते ही अर्जुन का साइज अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और अब सुपर अर्जुन के शरीर का आकार उन दोनों बड़े डेविल्स के बराबर हो गया है। ये सब देखकर डेविल्स अब एक पल के लिए घबराने लगे। ये सुपर अर्जुन कैसे कर रहा है, ये कैसे संभव है, काला कहता है और गुस्से से चिल्लाने लगता है। तभी अचानक अर्जुन एक जोरदार पंच काला को जड़ता है जिससे काला कुछ दूर पीछे घसीटता हुआ चला जाता है और अगले ही पल एक जोरदार पंच सुपर अर्जुन ड्राइला को भी जड़ता है जिसके वार से वो भी कुछ कदम पीछे घसीटता हुआ चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों डेविल्स दोबारा खड़े होकर एक साथ अर्जुन पर अपनी पावर से अटैक करते हैं लेकिन हमारा सुपर अर्जुन बार बार उनके तेज तर्रार अटैक से खुद को बचा रहा है। अब अर्जुन एक बार फिर अपनी पूरी ताकत से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है और एक बार फिर वे दोनों पीछे की ओर चले जाते हैं। अब अर्जुन धीरे धीरे उन डेविल्स का सामना करते हुए उन दोनों पर भारी पड़ रहा है और वे दोनों अब घबरा चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे सुपर अर्जुन का सामना कैसे करें। तो अब बताओ कैसा रहा, अर्जुन ने दोनों को धमकाते हुए कहा। एक तरफ अर्जुन दोनों डेविल्स पर भारी पड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ देव अभी श्रीनिवासन के कैबिन में। श्रीनिवासन ने देव से आज एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है। श्रीनिवासन ने देव से पूछा है, क्या आज के टाइम पर टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है? क्या हम एक ऐसी मशीन बना सकते हैं? और उसके इस सवाल पर देव कहीं ना कहीं डर रहा है क्योंकि वो श्रीनिवासन की सच्चाई जानता है। सर ये आज आप कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, बात क्या है? थोड़ा शॉक्ड होते हुए देव श्रीनिवासन से कहता है। हाँ देव मुझे मालूम है कि तुम में वो काबिलियत है कि तुम टाइम ट्रेवल की थ्योरी को सॉल्व करके
एक ऐसी मशीन बना सकते हो जिसे टाइम में आगे और पीछे जाया और आया जा सकता है। श्रीनिवासन ने अपनी घड़ी में देखते हुए देव से कहा, ये श्रीनिवासन आज मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। पर हाँ, अर्जुन ने मुझे बताया था कि ये जो श्रीनिवासन टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में गया था, उस श्रीनिवासन ने टाइम ट्रेवल मशीन बनाई थी जिसकी मदद से अर्जुन पास्ट में मेरे पास आ पाए। अब मुझे सारा खेल समझ आ रहा है। जरूर कुछ ऐसा है जो श्रीनिवासन मुझसे छुपा रहा है। कुछ इस तरह के सवाल अभी देव के मन में लगातार उमड़ रहे हैं। क्या हुआ देव, इस सोच में पड़ गए? देव की आंखों के आगे दो चुटकी बजाते हुए श्रीनिवासन कहता है, कुछ नहीं सर, मैं बस आपके सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका सवाल बड़ा पेचीदा है, इसलिए इसका कोई सटीक जवाब मेरे पास नहीं है। अगर मैं अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी की बात करूं, तो उस थ्योरी के अनुसार टाइम में आगे और पीछे जाना पॉसिबल है, देव श्रीनिवासन को बताता है। लेकिन अभी देव की बातों में हड़बड़ाहट साफ देखी जा सकती है। श्रीनिवासन अब देव को बड़े गौर से देख रहा है। उसे देखकर लगता है कि उसे देव की बातों में थोड़ा बहुत शक हो रहा है। श्रीनिवासन को लगता है कि देव उसे जानबूझकर सच नहीं बता रहा है। वो तो मुझे भी पता है देव, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम टाइम ट्रेवल मशीन बनाने पर काम करें। उसकी मदद से हम फ्यूचर और पास्ट में जा सकते हैं। जरा सोचो देव, अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो हम अपनी गलतियों को फ्यूचर या पास्ट में जाकर सुधार सकते हैं और इस दुनिया में कई बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक अजीब सी एक्साइटमेंट के साथ श्रीनिवासन अपनी चेयर से उठकर कहता है, लेकिन सर हम ऐसी डिवाइस या मशीन कैसे बना सकते हैं जिससे टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल होगा? एक धीमी सी आवाज के साथ देव थोड़ा रुक कर श्रीनिवासन से कह रहा है। देव का ये जवाब श्रीनिवासन को कुछ अजीब लग रहा है। वैसे श्रीनिवासन ने देव से ये टाइम ट्रेवल का सवाल जानबूझकर पूछा था, क्योंकि श्रीनिवासन चाहता था कि देव उसे कुछ ऐसा बताए जिससे उसे क्लू मिल सके टाइम ट्रेवल मशीन तक पहुंचने का, क्योंकि श्रीनिवासन को लगता है कि वो टाइम ट्रेवल मशीन अभी भी सुपर अर्जुन के पास है। लेकिन हकीकत तो ये है कि वो टाइम ट्रेवल मशीन ना तो सुपर अर्जुन के पास है और ना ही देव के पास। वो तो अभी भी डॉक्टर जूल के लेबोरेटरी में पड़ी है, जहां अभी भी डॉक्टर जूल उस टाइम ट्रेवल मशीन की गुत्थी को नहीं सुलझा सका है। उधर दूसरी ओर सुपर अर्जुन अकेला ही उन दो खतरनाक डेविल्स का सामना कर रहा है। अर्जुन लगातार उन दोनों डेविल्स पर हावी होता जा रहा है। दोनों डेविल्स में से एक डेविल्स जिसका नाम है ड्राइला, उसे कुछ याद आता है। वो अपनी पावर्स के बारे में सोच रहा है। डॉक्टर जूल ने उसे बनाते वक्त उसकी बॉडी में एक ऐसा केमिकल ऐड किया है जिससे उसके अंदर काफी सुपर पावर आ गई है। एक ऐसी पावर जिसके दम पर ड्राइला लोगों के अंदर खौफ पैदा कर सकता है और उस खौफ से सामने वाले की पूरी एनर्जी सोख सकता है। जैसे ही सुपर अर्जुन ड्राइला की आंखों में देखता है, ड्राइला अपनी उस सुपर पावर का इस्तेमाल करता है और फिर उसका असर कुछ ऐसा होता है कि अर्जुन पूरी तरह से सुन होने लगता है। अभी वो एकाग्रचित होकर सिर्फ ड्राइला को देख रहा है। अब धीरे धीरे सुपर अर्जुन को डर लगना शुरू होता है। खौफ का एक ऐसा मंजर उसके सामने है। डेविल ड्राइला के सामने सुपर अर्जुन की पावर धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डेविल ड्राइला अर्जुन की पावर सोख रहा है। जहां एक और सुपर अर्जुन कमजोर होता जा रहा है, वहीं अब सुपर अर्जुन की सारी पावर ड्राइला के पास आ रही है। कुछ ही देर में सुपर अर्जुन हवा से नीचे जमीन पर गिर पड़ता है और अब वो एक साधारण इंसान सा दिखाई दे रहा है। कुछ देर बाद जैसे तैसे सुपर अर्जुन दोबारा उठने की कोशिश करता है और अपनी पावर्स को एक बार फिर इकट्ठा करके उन दोनों डेविल्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो ऐसा करने में नाकाम रहता है। ये क्या हो रहा मेरे साथ? मेरी पावर्स कहाँ चली गई? आज मेरी पावर काम क्यों नहीं कर रही? परेशान होकर अर्जुन खुद से कह रहा है, सुपर अर्जुन तुम किससे टकराने चले थे? अरे हमसे जो टकराया है वो आज तक हमारे सामने टिक नहीं पाया है। देखो आज मैंने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। आज मैंने तुम्हारी सारी पावर सोख ली है और अब तुम एक साधारण इंसान से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। इसीलिए सुपर अर्जुन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक अजीब सी शैतानी हंसी हंसते हुए ड्राइला अर्जुन से कह रहा है। दूसरी ओर अर्जुन हैरान जमीन पर खड़ा है। अर्जुन को अभी बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अब उसके पास वो सुपर पावर नहीं है जिसके दम पर वो अभी तक इन दोनों डेविल्स का सामना कर रहा था। ये मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? मेरे हाथ पैर इतने कांप क्यों रहे हैं? अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास मेरी सुपर पावर्स भी नहीं है, कैसे मैं इन दोनों डेविल्स का सामना करूं? हे भगवान, आप ही मेरी मदद करो। हाथ जोड़ते हुए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहा है, लेकिन अभी भी उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। अचानक अर्जुन को ध्यान आता है कि एक बार नरिका से फाइट करते वक्त जब उसकी पावर का उस एलियन नरिका पर कोई असर नहीं हो रहा था, तब अर्जुन ने अपने मन को शांत करके ध्यान क्रिया से अपनी शक्ति पर कंट्रोल किया था, जिस कारण वो दोबारा उठकर नरिका से लड़ पाया था। एक बार फिर अर्जुन वैसा ही करने लगता है। वो उसी वक्त एक टांग पर खड़ा हो जाता है और एक टांग में खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन अभी भी उसके हाथ पैर बहुत कांप रहे और उसे बहुत डर लग रहा है। सुपर अर्जुन के डर का कारण ड्राइला है। अर्जुन पूरी कोशिश करता है अपने माइंड को कंट्रोल करने की, मगर तभी काला उस पर अपना अब तक का सबसे भारी प्रहार करता है और अर्जुन दूर जाकर गिरता है और खून की उल्टियां करने लगता है। पापा कहां हो आप? इतना कहकर अर्जुन बेहोश हो जाता है। देव श्रीनिवासन के कैबिन से बाहर आ चुका है और अब उसका सारा ध्यान अर्जुन के ऊपर है, क्योंकि अर्जुन अभी मुसीबत में है।
तो वही हमारा सुपर अर्जुन अब धीरे धीरे अपने डर से खुद को आजाद कर रहा है। उसके पूरे शरीर में एक अलग सी चमक आ गई है। देखते ही देखते अब सुपर अर्जुन की एनर्जी उसे वापस मिलनी शुरू हो गई है और ये एनर्जी उसे ड्राइला की बॉडी से मिल रही है। अब सुपर अर्जुन ने अपनी सुपर पावर ले ली है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारी शक्तियाँ, तुम्हारे पावर्स वापस कैसे आ सकती है? वे दोनों डेविल्स अर्जुन से कह रहे हैं। उनके चेहरे अभी देखने लायक है। उनके चेहरों पर खौफ साफ साफ देखा जा सकता है। अब दोनों डेविल्स इधर उधर अपनी नजर दौड़ाते हैं। उन दोनों की नजर पास पार्किंग में खड़ी कार और बाइक्स पर पड़ती है। वो दोनों डेविल्स अपनी पावर से उन कार्स और बाइक्स को हवा में उछालकर सुपर अर्जुन के ऊपर पटक रहे हैं। लेकिन सुपर अर्जुन बड़ी फुर्ती के साथ उन कार्स और बाइक से खुद को बचा रहा है, जिनका यूज काला और ड्रायला अभी एक वेपन के तौर पर कर रहे हैं। जवाब में सुपर अर्जुन भी अपनी सुपर पावर से उन दोनों डेविल्स के ऊपर हमला करता है। सुपर अर्जुन के इस जोरदार अटैक से वो दोनों डेविल्स पस्त हो जाते हैं। अर्जुन के चेहरे पर खुशी है तो वहीं दूसरी ओर वे दोनों डेविल्स काला और ड्रायला के चेहरे पर खौफ है, खुद के खत्म होने का, वो भी सुपर अर्जुन के हाथों। हमें कुछ अलग करना होगा काला, हम इस सुपर अर्जुन से हार नहीं सकते, ड्रायला काला को इशारा करते हुए कहता है। और फिर देखते ही देखते कुछ ही देर में काला और ड्रायला की पावर्स अब एक हो रही है। वो दोनों डेविल्स अब एक दूसरे के अंदर समा रहे हैं और धीरे धीरे उन दोनों की बॉडी एक हो चुकी है। इन दोनों खूंखार डेविल्स के एक होने से एक अजीब से जीव का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, जो साइज में काफी ज्यादा बड़ा है। ये सब देखकर सुपर अर्जुन के चेहरे का रंग अब धीरे धीरे उड़ने लगा है, क्योंकि अब उसके सामने काला और ड्रायला नाम के दो अलग अलग डेविल्स नहीं बल्कि एक बड़े से आकार का डेविल है, जो सुपर अर्जुन के ऊपर लगातार अपनी पावर से अटैक कर रहा है। क्यों, तुमने क्या सोचा था? हम इतनी भी आसानी से हार नहीं सकते सुपर अर्जुन, दोनों डेविल्स हंसते हुए कहता है। और तभी वो सुपर अर्जुन पर एक जोरदार अटैक करता है। इधर जैसे ही सुपर अर्जुन पर अटैक होता है, दूसरी तरफ देव को अचानक से बेचैनी होने लगती है। वो एकाएक अपनी कुर्सी से उठ जाता है। मैं कैसे अपने बेटे को बचाऊं? अगर अभी यहाँ से उसे बचाने चला गया तो यहाँ लोग को मेरे पर शक हो जाएगा। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। ऊपर वाले से हाथ जोड़ते हुए देव अर्जुन के लिए प्रार्थना कर रहा है। तभी उसे अपने सामने से आता हुआ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है एम्प्लॉय दिखता, जिसने अपने हाथ में एक ट्रे पकड़ी हुई और उस ट्रे में है जूस का एक ग्लास, जो अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट हेड यानी कि श्रीनिवासन के लिए ले जा रहा है। देव जल्दीबाजी में उस एम्प्लॉय की ओर जाता है और हड़बड़ाहट में उससे टकराता है। और देव के उस एम्प्लॉय से टकराते ही उसका जूस का ग्लास देव की शर्ट के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि देव की शर्ट खराब हो जाती है। सॉरी सर, आप अचानक आगे से आ गए, लेकिन फिर भी ये जूस आपके ऊपर गिर गया, घबराते हुए एम्प्लॉय देव से माफी मांगते हुए कहता है। वो इंस्टीट्यूट में मौजूद सभी लोग देव को बड़े गौर से देख रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप जाओ यहाँ से, देव उस एम्प्लॉय से जाने को कहता है। अरे यार, उसने तो तेरी पूरी शर्ट ही खराब कर दी, सुरेश देव से कहता है। अरे कोई बात नहीं, उसने जानबूझकर तो नहीं किया ना, वैसे तो गलती मेरी है जो मैं उसके सामने आ गया, मैं वॉशरूम जाकर इसे साफ करके आता हूँ। ऐसा कहते ही देव वॉशरूम की ओर चला जाता है, जो कि एक बहाना है रिसर्च इंस्टीट्यूट में मौजूद लोगों से दूरी बनाई रखने का, और यही बहाना है रिसर्च इंस्टीट्यूट से बाहर निकलकर सुपर अर्जुन की मदद करने का, जो अभी एक बड़े से डेविल्स का सामना कर रहा है। देव फटाफट वॉशरूम के अंदर जाता है। वॉशरूम के अंदर तो देव पहुंच चुका है, लेकिन उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट से बाहर जाकर उस जगह पर जाना है जहां अर्जुन अभी मुसीबत में फंसा है। तभी देव की नजर वॉशरूम में बने ऊपर एक रोशनदान पर पड़ती है। देव हल्का मुस्कुराता है, क्योंकि देव के अंदर भी सुपर पावर मौजूद है, इसलिए देव अपना आकार छोटा कर लेता है और एक बड़ी सी छलांग लगाकर रोशनदान के पास चला जाता है। उसके बाद देव एक लंबी छलांग लगाकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। देव ने अभी अपना आकार काफी छोटा किया हुआ है, इसलिए वो लोगों की नजर से लगातार बच रहा है। देव कुछ दूर तक तो पैदल ही चलता है, फिर एक सुनसान जगह पर जाकर वापस अपने नॉर्मल आकार में आ जाता है। मेरे होते मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा अर्जुन, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ऐसा कहते ही देव एक लंबी छलांग लगाता है और निकल पड़ता है सुपर अर्जुन को उस खतरे से बचाने, जिस खतरे में अब सुपर अर्जुन फंसने वाला है। इधर दो डेविल्स अब एक होकर सुपर अर्जुन पर लगातार अटैक पर अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन सुपर अर्जुन हर बार बड़ी फुर्ती और बहादुरी के साथ उनके अटैक से बच रहा है। जवाब में सुपर अर्जुन अपनी सुपर पावर से उस डेविल्स पर अटैक करता है, लेकिन सुपर अर्जुन के किसी भी अटैक्स का उस बड़े आकार के डेविल्स पर कोई खास असर नहीं पड़ता। अर्जुन को ये देखकर हैरानी होती है कि उसके अटैक्स का उस बड़े से डेविल्स के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। अब मैं कैसे हराऊंगा इसे, इसके ऊपर तो मेरी किसी भी पावर्स का कोई असर ही नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं, अर्जुन ये सब सोच ही रहा है। तभी इतने में वो बड़ा सा डेविल्स अर्जुन के ऊपर अटैक करता है। उस अटैक से अर्जुन को एक जोरदार झटका लगता है और सुपर अर्जुन उसकी पिछली तरफ की बिल्डिंग की दीवार पर धड़ाम से टकराता है। उस दीवार पर जोर से टकराने के बाद सुपर अर्जुन नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। उस डेविल्स के इस अटैक से सुपर अर्जुन अब पूरी तरह पस्त हो चुका है। उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं बची है कि वो दोबारा उठकर उस डेविल्स का सामना कर सके। अगले ही पल एक बड़ा ट्रैप सुपर अर्जुन के ऊपर आता है और अर्जुन उस ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होता। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम हमारे मालिक के गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ,
लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब अंजाम खुद ही देख लो, हम ना चाहते हुए भी तुम्हें हमारा गुलाम बनना होगा। ऐसा कहते ही वो डेविल सुपर अर्जुन को उस ट्रैप समेत उठाकर ले जाने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद देव उस जगह पहुंचता है जहां सुपर अर्जुन को उस बड़े डेविल्स ने अपने ट्रैप में फंसा लिया है। वो देखता है कि एक बड़ा सा डेविल्स अर्जुन को एक बड़े से ट्रैप में पकड़ कर ले जा रहा है। देव भी उस डेविल का पीछा करता है। कहां ले जा रहे हो तुम मेरे बेटे को? मैं कहता हूं रुक जाओ। हवा में उड़ता हुआ देव उस डेविल से अर्जुन को छोड़ने को कहता है। तभी उस डेविल्स की नजर भी देव पर जाती है। वो उसे देखकर हैरान है। तब उसे अचानक समझ में आता है कि ये भी अर्जुन की तरह ही एक सुपर हीरो है, क्योंकि देव ने अभी इमोशन में आकर उस डेविल से कुछ ऐसा कह दिया है जिससे उस राज का पर्दाफाश हो गया जो देव और अर्जुन दोनों ने अभी तक दुनिया से छुपाया था। देव उस डेविल्स का पीछा करते हुए उसके ठीक सामने आता है। अच्छा हुआ जो तुम भी मेरे सामने आ गए। अब सुपर अर्जुन के साथ मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। एक अजीब सी डरावनी हंसी के साथ डेविल्स देव को धमकाते हुए कहता है, तुम छोड़ दो सुपर अर्जुन को वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देव भी जवाब में एक तेज आवाज के साथ उस डेविल से कहता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहो तो कोशिश करके देख लो। एक तेज और डरावनी आवाज के साथ उस डेविल से ऐसा कहते ही देव अपनी सुपर पावर से उस पर अटैक करता है। लेकिन देव के सुपर पावर का उस खतरनाक डेविल के ऊपर कुछ खास असर नहीं हो रहा। उस डेविल का आकार काफी बड़ा है और अपने बड़े से हाथों से उसने वो बड़ा सा ट्रैप पकड़ा हुआ है जिसके अंदर कैद है सुपर अर्जुन। अर्जुन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना बेटा, मैं तुझे इस शैतान की कैद से आजाद कराऊंगा, देव अर्जुन की ओर देखते हुए उससे कहता है। लेकिन देव की आवाज अर्जुन तक नहीं पहुंच रही और अर्जुन अब पूरी तरह पस्त हो चुका है। वो नकारात्मक शक्तियों का जाल एकाएक अर्जुन को अपने शिकंजे में जकड़ रहा है जिस कारण अर्जुन की शक्तियाँ लगातार कमजोर पड़ रही। तभी देव को एक आइडिया सूझता है। देव को अब वो क्लू मिल चुका है जिससे वो अर्जुन को उस डेविल्स की कैद से आजाद कर सके। दरअसल देव के माइंड में एक आइडिया है। देव ये सोच रहा है कि अगर वो उसके हाथों पर अपनी पावर से अटैक करे तो शायद कुछ बात बने। अगले ही पल देव अपनी सुपर पावर से उस डेविल के हाथों में एक जोरदार अटैक करता है। देव के इस अटैक से उस बड़े से डेविल को कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, पर उसके हाथ से वो ट्रैप नीचे गिर जाता है जिसके अंदर सुपर अर्जुन अभी कुछ नकारात्मक शक्तियों के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। अब वो ट्रैप सुपर अर्जुन समेत धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगता है और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। देव भी अब उस ट्रैप को देखते हुए नीचे की ओर जाने लगता है और नीचे जमीन पर पहुंचकर उस ट्रैप को अपनी सुपर पावर से तोड़ देता है। और फिर उस ट्रैप के टूटते ही सुपर अर्जुन उस डेविल के शिकंजे से आजाद हो जाता है। थैंक्स पापा, आज एक बार फिर आपने मुझे बचाया। अपने पिता देव का शुक्रिया अदा करते हुए अर्जुन हाथ जोड़ता है और आगे कहता है, पापा हम इसका अकेले सामना नहीं कर सकते, अगर हमें इसे रोकना या हराना है तो हमें एक साथ मिलकर अपनी सुपर पावर से इस पर अटैक करने होंगे। अर्जुन के ऐसा कहते ही देव भी हां में अपना सिर हिलाता है। उसके बाद सुपर देव और सुपर अर्जुन अपनी सारी सुपर पावर्स को एक करने लगते हैं। दोनों की सुपर पावर अब आपस में टकरा रही है और उससे निर्माण हो रहा है एक बड़ी सुपर पावर का। और उस बड़ी सुपर पावर से अटैक होता है एक बार फिर उस डेविल्स के ऊपर जो सुपर अर्जुन को अपने कैद से आजाद देखकर हैरान है। नहीं ये नहीं हो सकता, चिल्लाते हुए डेविल्स दर्द से छटपटा रहा है। और अब कुछ सेकंड के अंदर ही उस डेविल्स के दो टुकड़े हो जाते हैं और इस तरह काला और ड्रॉयला अब एक बार फिर अलग हो जाते हैं। अब इस तरह वे दोनों खुद भी कमजोर होने लगे हैं। अर्जुन यही मौका है, अटैक, देव चिल्लाते हुए कहता है। देव की बात सुनकर अर्जुन एक जोरदार अटैक काला के ऊपर करता है। सुपर अर्जुन के इस अटैक से काला अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा है और इस तरह कुछ ही सेकंड बाद उसकी मौत हो जाती है। अब ड्रॉयला भी सुपर अर्जुन और देव से फाइट करते करते घायल हो चुका है। उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं बची कि वो सुपर अर्जुन और देव का सामना कर सके, इसलिए ड्रॉयला को लगता है कि अगर वो ज्यादा देर तक सुपर अर्जुन और देव के सामने रहा तो वो भी अपने साथी काला की तरह ही मारा जाएगा, इसलिए वो दबे पांव वहां से भाग खड़ा होता है। मगर ये अंत नहीं था।